Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome in biology preparation series for National MDCAT 2023. आज हम अपने इस बैच का 2023 बैच का बाकायदा आगाज कर रहे हैं. आज हमारा इस सिलसिले का ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा. इसमें आपको बताया जाएगा कि किस तरह से हमारा ये बैच आगे चलना है. तो इसके हवाले से कुछ आपको मेजर चीज़ें आपको मैंने गाइड करनी है. उसके बाद फिर रेगुलर हमारी जो एजुकेशन होगी इस प्रिपरेशन के हवाले से वो आगे कंटिन्यू शुरू हो जाएगी. ये जो नेशनल MDCAT 2022 में ये सिलसिला शुरू हुआ था, बल्कि 2020 में ये सिलसिला शुरू हुआ था. नेशनल लेवल के ऊपर MDCAT को कंडक्ट किया गया पहली बार 2020 के अंदर. उसके बाद फिर 2021 में भी इसी तरह से नेशनल लेवल के ऊपर MDCAT कंडक्ट हुआ. और फिर ये आपने शायद सुना होगा लास्ट ईयर 2022 के अंदर भी इसी तरह से नेशनल लेवल के ऊपर MDCAT हो रहा था, लेकिन फिर एंड टाइम पर PMC डिसॉल्व हो गई और पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल दोबारा, जो कि एक ओल्ड बॉडी है, ये दोबारा से रिवाइव हुई. और फिर इस तरह से लास्ट ईयर से ये टेस्ट दोबारा से प्रोविंस के पास चला गया. यानी नेशनल लेवल के ऊपर कंडक्ट होने के बजाय प्रोविंसेस के अंदर लास्ट ईयर ये कंडक्ट हुआ था. लेकिन लास्ट ईयर एक सिंगल सिलेबस था जिसको फॉलो किया था तमाम प्रोविंसेस ने, और उस सिलेबस को फॉलो करते हुए हर एक प्रोविंस ने अपनी अपनी बुक्स से ये टेस्ट प्रिपेयर किया था. तो अभी रिसेंटली ये पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल की एक मीटिंग हुई है 4 जून को. ये उस मीटिंग का एक डॉक्यूमेंट आपने सोशल मीडिया के ऊपर देखा होगा. बहुत सारे बच्चे बार बार ये पूछते रहे कि ये फेक है या रियल है. तो ये रियल है बिल्कुल, ये वाकई इनकी मीटिंग हुई है. और उस मीटिंग के अंदर इन्होंने एक डेट प्रपोज कर दी है MDCAT के लिए, और वो लास्ट ईयर के पैटर्न के ऊपर ही ये MDCAT कंडक्ट होगा. लास्ट ईयर का पैटर्न से मुराद ये है कि एक ही सिलेबस फॉलो किया जाएगा, और उस सिलेबस के अंदर कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं. मैं अभी आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ उन टॉपिक्स से. तो वो कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं बायोलॉजी फर्स्ट ईयर और बायोलॉजी सेकंड ईयर के. उन सिलेक्टेड टॉपिक्स में से चाहे कोई बच्चा पंजाब की टेक्स्ट बुक पढ़ के आ रहा है तो तब भी उन्हीं टॉपिक्स से उसने टेस्ट देना है. अगर वो सिंध की बुक्स उसने पढ़ी हुई हैं बेशक, तब भी उन्हीं टॉपिक से उसने टेस्ट देना है. या फेडरल का कोर्स पढ़ा है, या KP के, या फिर बलूचिस्तान का उसने कोर्स पढ़ा है, या इवन जो बच्चे ए लेवल से आ रहे होते हैं उन्होंने भी उन्हीं टॉपिक्स में से टेस्ट देना है. तो लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था और इस साल भी अब ऐसा ही होने जा रहा है. इसकी एक टेंटेटिव डेट भी दे दी है, 27 अगस्त ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि MDCAT इस साल मुनक्किद होगा. 27 अगस्त से मुमकिन है कि अगर कोई थोड़ा सा ये चेंज भी किया इन्होंने तो मे बी 1 वीक ये चेंज होगा, 1 वीक आगे जा सकता है. जैसे लास्ट ईयर भी ये 13 नवंबर को टेस्ट होना था तो फिर वो पोस्टपोन करके 18 नवंबर पर शिफ्ट हो गया था. लास्ट ईयर तो वैसे भी वो PMC और PMDC का काफ़ी चलता रहा था कि वो चेंज होना है नहीं होना, तो उसकी वजह से टेस्ट डिले हो गया था. लेकिन इस साल उम्मीद है कि ये अगस्त के एंड पर 27 अगस्त को ही टेस्ट हो जाएगा, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये लेट हुआ भी तो 1 हफ्ता ये लेट हो सकता है. तो हमारे पास इस वक्त काफ़ी टाइम है इसको प्रिपेयर करने के लिए. आप लोगों ने डेफिनेटली अपने कोर्सेज को पहले भी अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है, तो अब आपको इस प्रिपरेटरी सीरीज़ के अंदर कुछ ख़ास गाइडलाइंस दी जाएंगी, और अगर आप उनको सही तरह से फॉलो करते रहेंगे तो यकीनन आप अच्छा स्कोर कर सकेंगे. तो इसमें देखिए, इस साल भी चूँकि ये उसी सिलेबस से ये टेस्ट होना है जो लास्ट ईयर फॉलो किया गया था, तो उसमें अब तरीका ये होगा कि चूँकि हर प्रोविंस ने अपना अपना टेस्ट कंडक्ट करना है, तो हम इस प्रिपरेटरी क्लास के अंदर कोशिश ये करेंगे कि हम तमाम उन टॉपिक्स को तमाम बुक्स से कवर करें. ठीक है, क्योंकि ये जो टॉपिक्स अभी मैं आपको शो करता हूँ ये टॉपिक्स मेनली फेडरल की बुक्स से एक्सट्रैक्ट किए गए हैं, लेकिन ये टॉपिक्स जनरल टॉपिक्स हैं जो आपको पंजाब की बुक में भी मिलते हैं, जो आपको सिंध की बुक में भी मिलते हैं, और ये टॉपिक आपको KP के और बलूचिस्तान की बुक में भी मिलते हैं. लेकिन बेसिकली अगर आप उन टॉपिक्स की वर्डिंग देखेंगे जो वो उन्होंने लर्निंग आउटकम्स एक्सट्रैक्ट किए हैं, वो बेसिकली फेडरल की टेक्स्ट बुक में से एक्सट्रैक्ट किए हैं. और एक आम तासुर ये है कि शायद ये जो बायोलॉजी का पोर्शन है वो फेडरल वाली बुक से ज़्यादा उठाया जाता है,
और उसकी एक हकीकत भी है कि पिछले जो टेस्ट हुए 2020 के अंदर और 2021 में, वो तो एग्जैक्टली फेडरल की बुक्स में से वो टेस्ट कंडक्ट हुआ था, ठीक है। तो इस वजह से आमतौर पर ये पूरे मुल्क में एक बात फैली हुई है कि एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए, बायोलॉजी के लिए ख़ास तौर पर फेडरल की बुक्स को फॉलो किया जाए। बिल्कुल आपको फेडरल की बुक्स को प्रेफर करना चाहिए, लेकिन मैं आपको साथ ही ये भी सजेस्ट करूँगा कि चूँकि इस बार टेस्ट प्रोविंस ने लेना जैसे लास्ट ईयर हुआ था, तो आपने इस प्रिपरेशन के साथ साथ जो हम ये यहाँ पर प्रिपरेशन करेंगे उसके साथ साथ आपने अपनी प्रोविंस की बुक को फॉलो करना है। यानी आप जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होंगे वो मेरे लेक्चर से आप हासिल करेंगे, डिस्कशन के दौरान उस टॉपिक से रिलेटेड हर एक एस्पेक्ट को हम कवर कर लेंगे, उससे रिलेटेड जो भी MCQs पॉसिबल हैं वो भी हमारे डिस्कशन में आ रहे होंगे। तो इस तरह से आपकी मेजर जो तैयारी है वो इन लेक्चर से होती जाएगी। लेकिन बुक की अपनी इम्पॉर्टेंस होती है, बाज़ुकात कुछ बुक की लाइंस भी पूछी जाती हैं, इस वजह से आपने जो भी जिस प्रोविंस का स्टूडेंट है उसने अपने अपने प्रोविंस की बुक को साथ साथ रीड करते जाना है। यानी जो टॉपिक हम यहाँ पर अभी कवर करेंगे इस MDCAT सिलेबस के टॉपिक, वो टॉपिक आपने अपनी टेक्स्ट बुक से भी उसको कवर करना है, उसको रीड करना है। और अगर उसमें कोई कन्फ्यूजन होगी तो आप मेरे साथ फिर उसको डिस्कस कर सकते हैं, मैं आपके साथ बिल्कुल 24 घंटे इंटरेक्ट करता रहूँगा। सिर्फ रात को सोते वक्त जाहिर है कि मैं आपको रिप्लाई नहीं कर पाऊँगा, अदरवाइज़ आप जब भी मुझे टेक्स्ट करेंगे तो मेरी कोशिश होती है कि जो लोग भी मेरे साथ अटैच हों उनको फिर मैं फ़ौरन रिप्लाई करूँ। तो इस तरह से हमारी ये जो क्लास है ये आगे रफ्ता रफ्ता बढ़ती जाएगी। अच्छा, तो अब इस प्रिपरेशन को हमने कैसे लेकर चलना आगे, तो इसमें देखिए ये जो लास्ट ईयर पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने एक पॉलिसी डिसाइड की थी, तो उसी पॉलिसी को जो कि इस साल भी अभी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, अभी PMDC आ चुका है, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम उसी पॉलिसी को आगे कैरी करेंगे। तो लास्ट ईयर इन्होंने जो पासिंग परसेंटेज थी इस MDCAT की वो कम कर दी थी, पहले 65% पर पासिंग परसेंटेज हुआ करती थी, यानी MDCAT में कम से कम 65% जो मार्क्स लेगा वो फिर आगे मेरिट की दौड़ में शामिल हो पाएगा। लेकिन फिर लास्ट ईयर ये PMC ने डिसीजन लिया था कि जो पासिंग परसेंटेज है उसको रिड्यूस कर दिया जाए, तो इस तरह से 55% अगर MDCAT में स्कोर हो तो आप आगे मेरिट की कैलकुलेशन में हिस्सा ले सकते हैं, और उसके बाद फिर जो आपका मेरिट बनेगा उसके मुताबिक आप किसी मेडिकल कॉलेज के अंदर एडमिशन हासिल कर पाएंगे। लेकिन इसमें आप थोड़ा सा रियलिस्टिक होना चाहिए, क्योंकि आपका जो मेरिट फार्मूला है उसके मुताबिक आप की तीन चीज़ें यहाँ पे काउंट होंगी, एक मैट्रिक जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं, मैट्रिक की 10% वेटेज होगी, जो भी आपने स्कोर किया होगा उसमें से 10% ले लिया जाएगा। यानी मिसाल के तौर पर अगर किसी शख्स ने स्कोर किया हुआ है 90%, सपोज 90% अगर उसने स्कोर किया हुआ है, तो 90% का अगर आप 10% इसमें से निकालें तो ये कितना बन जाएगा, ये स्कोर बन जाएगा 9। इसी तरह से दूसरा जो हिस्सा इसमें वो FSC का है, FSC या फिर अगर कोई A लेवल्स के बच्चे हैं तो वो A लेवल्स का स्कोर, इसी तरह से अगर मैट्रिक है तो मैट्रिक के इक्विवेलेंट O लेवल्स होगा तो O लेवल का स्कोर यहाँ पर इंक्लूड होता है। तो ये 10% मैट्रिक या O लेवल, जबकि FSC या A लेवल्स इसकी जो वेटेज है वो है 40%। 40% मेरिट कैलकुलेट करने में ये इसका स्कोर काम आएगा, और ये भी जाहिर है कि आप कर चुके हैं जो भी करना था। अब जो रेगुलर स्टूडेंट हैं उनके सिर्फ प्रैक्टिकल्स रहते हैं, उन्होंने प्रैक्टिकल्स अभी परफॉर्म करने हैं, और बाकी जो एक्स स्टूडेंट हैं वो तो जाहिर है अपना स्कोर ये ले चुके हैं। तो अगर किसी शख्स का मिसाल के तौर पर यहाँ पर भी 90% स्कोर आता है FSC के अंदर, उसकी 90% परसेंटेज है, तो 40% अगर इसका निकाला जाए तो 40% इसका क्या होगा, आप 90 का 40% अगर कैलकुलेट करें तो ये बन जाता है तकरीबन कोई आई थिंक 40% अगर 90 का निकाला जाए तो ये बन जाएगा 32। अगर मैं गलत हूँ तो आप इसको करेक्ट कर सकते हैं, देखेंगे 10% 9 है तो 9 for 36 यस
27, यस 36 बन जाएगा, तो 40% ऑफ द 90% इज 36, तो ये आपने 9 यहाँ से लिया, 36 यहाँ से लिया। उसके बाद अब आपके पास रह गया एमडी कैट। अच्छा, अब जो एमडी कैट है, एमडी कैट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट, ये वो सेगमेंट है जो अभी आपके हाथ में, क्योंकि ये दो चीज़ें अब इनको चेंज नहीं कर सकते आप, वो जो स्कोर था वो ही रहेगा। एमडी कैट चूँकि अभी होना है, इसकी प्रिपरेशन आपके हाथ में, और अगर आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर लें एमडी कैट की, तो आप यहाँ से बहुत अच्छा एक इसके अंदर एडिशन कर सकते हैं अपने स्कोर के अंदर, क्योंकि इसकी वेटेज भी सबसे ज़्यादा है, 50% इसकी वेटेज होगी। अगर किसी शख्स का स्कोर एमडी कैट में 90% आ जाता है, 90%, तो 90% का 50% आप ले लें, 90% का 50% क्या होगा, 45। तो अब आप इन तीनों को ऐड कर लें, ठीक है। तो अब आप देखिए ये कितना हो गया स्कोर, ये हो गया 15 और ये 0। अच्छा, और फिर इसी तरह से 4 और ये 4, 8 नहीं, कितना बना ये 9 6, ये हो गया 15 15। अच्छा, ये 90% बन गया, ठीक है। तो ये 90% आपका स्कोर आया। अब ये 90% अगर आपका एग्रीगेट आता है, दिस इज़ द एग्रीगेट, अगर आपका एग्रीगेट 90% आता है, तो क्या आपका एडमिशन सिक्योर है? तो उसका जवाब ये है कि अगर तो आपका डोमिसाइल पंजाब का है, तो फिर तो ये 90% स्कोर आपका सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मेरिट बहुत हाई जाता है। लास्ट ईयर भी तकरीबन कोई 92% 93% के करीब मेरिट गया था। तो 90% अगर किसी के मार्क्स हों, तो वो एडमिशन पंजाब में हासिल नहीं कर पाएगा जिसका डोमिसाइल पंजाब का है। इसी तरह से केपीके में भी मेरिट बहुत हाई है। अलबत्ता बलूचिस्तान में अगर आपका स्कोर 90% आ जाता है, या सिंध में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, क्योंकि सिंध के अंदर डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट वेरी करता है, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स का मेरिट बहुत हाई है और कुछ डिस्ट्रिक्ट्स का मेरिट थोड़ा सा लो है, तो वहाँ पर सिंध में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में पॉसिबल है, और इसी तरह से बलूचिस्तान के अंदर आपका एडमिशन पॉसिबल है अगर ये इतना एग्रीगेट बन जाता है तो। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि देखिए, ये जो लास्ट ईयर PMC की पॉलिसी थी, चूँकि वो उसी पॉलिसी को इस साल भी आगे लेकर चला जाएगा, तो उस पॉलिसी के मुताबिक कोई भी बच्चा, चाहे वो किसी भी प्रोविंस का हो, वो किसी भी दूसरे प्रोविंस के अंदर टेस्ट देने का हैल है, ठीक है। ये टेस्ट उसका किसी भी दूसरे प्रोविंस के अंदर लिया जा सकता है। जैसे सिंध के बच्चे अगर पंजाब में टेस्ट देना चाहें, या फिर वो फेडरल में टेस्ट देना चाहें, तो ये बिल्कुल उनके लिए अलाउ होगा। या KPK वाले बच्चे अगर फेडरल का टेस्ट देने चाहें, तो ये बिल्कुल उनके लिए अलाउ होगा कि वो यहाँ पर टेस्ट दे सकते हैं। लेकिन एडमिशन इन्होंने अपने प्रोविंस में ही लेना है, जिस प्रोविंस का उनका डोमिसाइल होगा, ठीक है। तो ये सूरत हाल है, इसको सामने रखना है आपने प्रिपरेशन करते हुए। यानी ये जो 90% का फिगर मैंने आपको बताया ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने इसको क्रॉस करना है, इससे नीचे नहीं रहना। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके मैट्रिक में भी 90% हो, FSC में भी 90%, और इवन आपके MD कैट में भी 90% आए, तो तब ये आप 90% तक पहुंचते हैं। लेकिन इससे क्रॉस करने के लिए आपको डेफिनेटली ये जो परसेंटेजेस हैं, इनसे ऊपर जाना है। बल्कि जैसे मैंने आपको बताया कि मैट्रिक और FSC तो आप ऑलरेडी कर चुके हैं, वो उसमें तो अब चेंज होगा कोई नहीं, तो सिर्फ आपके हाथ में अब MD कैट है, इसमें आप थोड़ा सा और एक्सेल करके आप इसमें 95% भी अचीव कर सकते हैं, आप इसमें 98% भी अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वो एरिया है जहाँ पर आपको अभी स्ट्रगल करने की ज़रूरत है। अच्छा, तो अब देखो, ये जो लास्ट ईयर पॉलिसी डिसीजन हुआ था PMC का, और जो कि इस साल भी आगे अभी फॉलो किया जाना है, तो उसमें जो सब्जेक्ट वाइज वेटेज थी एमडी कैट की, वो वेटेज कुछ इस तरह से दी हुई थी। ये 34% बायोलॉजी सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शन है, और केमिस्ट्री और फिजिक्स ये 27% इंग्लिश, और साथ लॉजिकल रीजनिंग भी। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर देखा जाए, तो इस परसेंटेज के लिहाज से टोटल 200 क्वेश्चंस का टेस्ट था, और उन 200 क्वेश्चंस में से 68 क्वेश्चंस बायोलॉजी के, 54 केमिस्ट्री और फिजिक्स, 18 इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग के 6 क्वेश्चंस थे। कोई इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग इसमें कोई नहीं थी, और इस साल भी इसी तरह से नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं होगी।
नेगेटिव ना मार्किंग ना होने का एक एडवांटेज होता है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहे हो तो आप उनको भी अटेम्प्ट कर जाते हैं, और उनमें से अगर बास क्वेश्चन ठीक हो जाएं तो उसका बेनिफिट आपको मिल जाता है। तो कोई नेगेटिव मार्किंग लास्ट ईयर भी नहीं थी और इस साल भी इसी तरह से नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, सही है। और ये जो क्वेश्चन हैं चारों पाँचों एरियाज में से, देखें ये चार एरियाज, इनसे तो आप अच्छी तरह से फैमिलियर हैं। लॉजिकल रीजनिंग ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसके लिए बहुत स्पेशल प्रिपरेशन की ज़रूरत हो, ये आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड का गेम है। अगर आप बिल्कुल होशो आवास में हो तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से आप हल कर लेते हैं, और अगर आप ज़रा भी पजल हो रहे होंगे तो ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होंगे। तो इस तरह के ये क्वेश्चन होते हैं। अच्छा, अब इसमें देखिए जो इन्होंने डिफ़िकल्टी इंडेक्स लास्ट ईयर फॉलो किया था और इस साल भी इसी तरह से फॉलो होना है, तो उसमें 20% ईजी क्वेश्चन होंगे और 60% उसके अंदर मॉडरेट क्वेश्चन होंगे। देखिए ये जो मॉडरेट क्वेश्चन हैं ये भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ये भी ईजी वाली कैटेगरी में ही इंक्लूड किए जाते हैं जी। तो मैं डिफिकल्टी इंडेक्स आपको बता रहा था कि देखिए इजी, मॉडरेट और हार्ड, 20% इजी क्वेश्चंस होंगे, 60% मॉडरेट क्वेश्चंस हैं और 20% हार्ड क्वेश्चंस हैं। मॉडरेट भी ये कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ये इजी क्वेश्चंस की कैटेगरी के ही क्वेश्चंस होते हैं। यानी यूं समझ लें कि आपके 20 और 60 दोनों को सम अप करें तो आपके पास तकरीबन कोई 80% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इजी क्वेश्चंस की कैटेगरी में ही इंक्लूड होते हैं, ठीक है। ये मॉडरेट भी कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये इजी जैसे ही क्वेश्चन है। तो आप ये याद रखें कि 80% क्वेश्चन आसान तरीन क्वेश्चन है, सिर्फ ये 20% क्वेश्चन थोड़े से डिफ़िकल्ट हो सकते हैं। ये थोड़े से डिफ़िकल्ट का क्या मतलब है कि ये कोई न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं या कोई कोई डाटा दिया हुआ हो सकता है, कोई ग्राफ हो सकता है, कोई फिगर हो सकती है, इस तरह का कोई क्वेश्चन हो सकता है जिसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है। यानी यहाँ पर हार्ड होने का ताल्लुक उसके टाइम के साथ है। जो क्वेश्चन इजी होगा इसका मतलब है कि वो उसमें टाइम कम लगना है और वो फौरन से सॉल्व हो जाना है, लेकिन जो क्वेश्चन हार्ड होगा उसमें एक्चुअली टाइम ज़्यादा लगना होता है, इस वजह से उसको हम हार्ड क्वेश्चन कहते हैं। क्योंकि जो बच्चे ये टेस्ट दे रहे होते हैं उनके लिए सारे ही क्वेश्चंस बिल्कुल फैमिलियर होते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा ऐसा हो जिसने कोई टॉपिक ही ना पढ़ा हो और उसमें से कोई क्वेश्चन आ जाए, ऐसा नहीं होता। सारे बच्चों ने ये सारे टॉपिक्स कवर किए हुए होते हैं, लेकिन चूंकि एंट्री टेस्ट के दौरान जिन बच्चों ने एंट्री टेस्ट दिया हुआ है, जो एक्स स्टूडेंट हैं, उनको ये आइडिया होगा कि उस वक्त प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और उसी प्रेशर को असल में सस्टेन करना होता है। तो जो बच्चे उस प्रेशर को टॉलरेट नहीं कर पाते, पजल होना शुरू हो जाते हैं, उनके लिए ये इजी क्वेश्चन भी डिफ़िकल्ट होना शुरू हो जाते हैं और वो टाइम को फिर मैनेज नहीं कर पाते। और हम हर साल देखते हैं कि एमडीकेट के दौरान बहुत सारे बच्चे जिन्होंने बड़ी अच्छी प्रिपरेशन की हुई थी, उनका जो प्रीवियस स्कोर था वो भी बहुत अच्छा था, लेकिन वो पजल हुए और वो एकदम कोलैप्स कर गए और फिर वो सारा स्कोर लूज कर गए। तो आपने कई एक बच्चों का स्कोर देखा होगा कि वो 1060 मार्क्स, 1070 मार्क्स इन एफएससी, लेकिन मेडिकल में दाखला कोई नहीं हुआ। तो ये उसी वजह से होता है, जब वो अपना प्रेशर सस्टेन नहीं कर पाते, उसको टॉलरेट नहीं कर पाते और फिर वो कोलैप्स कर जाते हैं। तो यहाँ पर जो हम यहाँ प्रैक्टिस करवाएंगे आपको, वो इसी चीज़ की प्रैक्टिस होगी कि आपने इस प्रेशर को कैसे टॉलरेट करना है, किस तरह से आपने इजी क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करना है, उसको आपने डिफ़िकल्ट नहीं बनाना, ठीक है। तो फिर ये जब आप इजी क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर जाएंगे, टाइम यहाँ से सेव कर लेंगे, तो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी फिर इजीली आपसे हल हो सकेंगे, उसके लिए इनफ टाइम आपके पास मौजूद होगा। अच्छा, यहाँ पर देखें एक अहम चीज़ जो इन्होंने नोट करवाई है लास्ट ईयर और ये इस साल भी इसी तरह से इम्प्लीमेंट होगी, वो ये कि देखिए बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इन तीनों सेक्शंस में से 70% क्वेश्चंस विल बी रिकॉल। रिकॉल से मतलब है कि जो बुक के अंदर इंफॉर्मेशंस दी हुई हैं उन्हीं को वो रिकॉल करवाएंगे आपसे, जिसका मतलब है कि आपको जो बुक की इंफॉर्मेशन है उसको ज़रूर याद करना है, उसकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, बुक को रीड ज़रूर करना है। लेकिन ये जो 30% क्वेश्चन है दे विल बी एप्लीकेशन बेस्ड, एप्लीकेशन लेवल के ये क्वेश्चंस होंगे, ये वो क्वेश्चंस होंगे जो कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड होंगे। और असल में बेटा देखो, ये जो तैयारी कर रहे होते हैं ना हम किसी भी एंट्री टेस्ट की, वो तैयारी बुनियादी तौर पर ये इसी 30%
जो एप्लीकेशन लेवल के क्वेश्चंस होते हैं इन्हीं की तैयारी की जा रही होती है, क्योंकि यही वो क्वेश्चंस होते हैं जो एक आम स्टूडेंट जो अपनी रूटीन स्टडीज़ के दौरान वो इस तरफ नहीं सोच पाता, और वो ऐसे क्वेश्चंस को जब वो पहली बार एक्सपोज होता है तो वो फिर लूज़ कर जाता है। लेकिन जो बच्चा इस तरह से किसी अच्छी जगह से प्रिपेयर होकर निकल के आता है तो उसको पहले से आइडिया होता है कि इस टॉपिक से किस तरह के अनसीन क्वेश्चंस आ सकते हैं, किस तरह के बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो वो जब आप ऑलरेडी फैमिलियर होंगे उन क्वेश्चन से तो आप उनको सॉल्व कर लेंगे, और यही वो 30% क्वेश्चन होंगे जिससे आपका मेरिट जो है वो फ्लक्चुएट करेगा। जो कुछ अच्छे बच्चे नहीं स्कोर कर पाते अच्छा और वो एडमिशन लूज कर जाते हैं, उसकी वजह यही होती है कि वो इस तरह के क्वेश्चंस को लूज कर जाते हैं। हालांकि तैयारी उनकी बहुत अच्छी होती है, वो रिकॉल वाले क्वेश्चंस को बहुत अच्छा कर पाते हैं। लेकिन इसका देखो ये भी मतलब नहीं है कि सिर्फ हम ये जो एप्लीकेशन लेवल के 30% क्वेश्चन है इसके ऊपर बहुत फोकस करें और बुक रीडिंग को बिल्कुल हम अहमियत ना दें, ऐसा भी नहीं है। आपने देखें यहाँ पर हम प्रिपेयर करवाते हुए आपको हर एक टॉपिक से आपको बताएंगे कि देखिए इस टॉपिक में ये वाली इंफॉर्मेशन काम की, इसको याद करें और इस इंफॉर्मेशन को आपने इस तरह से रिटेन करना है। ये सारे टेक्निक्स आपको साथ साथ हम बताते जाएंगे, और किस जगह से किस तरह के क्वेश्चन आएंगे ये साथ साथ आपको बताते रहेंगे। तो जब आप इन सारे पॉइंट्स को फॉलो करेंगे तो फिर इंशाल्लाह देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए कोई मुश्किल नहीं रहेंगे। अच्छा आप देखिए ये जो हमारा ये एमडी कैट का सिलेबस है ये किन टॉपिक्स के ऊपर मुश्तमिल है। तो लास्ट ईयर का ये सिलेबस है और इस साल भी यही सिलेबस, जो कि पीएमडीसी ने अब इसको एंडोर्स कर दिया कि हम उसी सिलेबस को फॉलो करेंगे, तो इसी में से अब टेस्ट होना है। अब इसमें देखिए कि बायोडाइवर्सिटी, इसमें ए सेलुलर लाइफ या वैरायटी ऑफ लाइफ, ये पोर्शन यहाँ पे इंक्लूडेड है। इसमें आप देखिए यहाँ पर फंजाए अलग से कोई नहीं दिया हुआ, फंजाए का पूरा चैप्टर है। प्रोटिस्ट अलग से कोई नहीं दिया हुआ, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि थोड़ा बहुत इन दोनों के बारे में हमें नो हाउ होनी चाहिए। वैसे तो ए सेलुलर लाइफ यानी वायरसेस के ऊपर मेन फोकस रहेगा बायोडाइवर्सिटी में, लेकिन चूंकि टाइटल बायोडाइवर्सिटी है तो इस वजह से इसमें थोड़ा सा प्रोटिस्ट और फंजाई को भी हम साथ कवर करेंगे। प्रोकैरियोट्स के लिए अलग से इन्होंने एक यूनिट दिया हुआ है, ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स को यहाँ पे कवर कर लिया जाएगा। प्लांट्स को स्पेशली कवर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्लांट्स में से लास्ट ईयर भी कोई इस तरह सवालत नहीं थे और ये इस साल भी नहीं होंगे। यहाँ पर एनिमल्स में से अलबत्ता पूछे जा सकते हैं, डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स ये पोर्शन थोड़ा सा गिवन है। अच्छा फिर देखिए बायोनोजेटिक्स बहुत ही कोर टॉपिक है, इसमें से सवाल काफ़ी सारे आते होते हैं, इनको बहुत अच्छी तरह कवर करने की ज़रूरत है। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल बड़ा अहम पोर्शन है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यूँ समझ लें कि ये जो तीनों चैप्टर्स हैं बायोएनर्जेटिक्स, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स और सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये बहुत ही अहम टॉपिक्स हैं, इनके ऊपर बड़ा फोकस करने की ज़रूरत है क्योंकि ये ओवरऑल तमाम जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है उसकी ये बेस होती है। अच्छा फिर जो फिजियोलॉजी के टॉपिक्स हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी से रिलेटेड, उसमें कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, जिसमें नर्वस और केमिकल कोऑर्डिनेशन दोनों आ जाएगी। एंजाइम का पूरा चैप्टर आपको कवर करना है, एवोल्यूशन के मेजर कंटेंट्स इसमें शामिल हैं, और कुछ प्लांट फिजियोलॉजी के भी टॉपिक्स इसमें शामिल हैं। उसमें प्लांट्स में न्यूट्रिशन, गैस एक्सचेंज, ट्रांसपोर्ट, ये प्लांट के, और साथ साथ यही टॉपिक एनिमल्स से रिलेटेड भी आपको कवर करने होंगे। अच्छा प्रोकैरियोट्स जैसे अभी मैंने बताया था कि बायोडाइवर्सिटी में से इसको अलग करके एक यूनिट के तौर पर दिया हुआ है। इसके अलावा रिप्रोडक्शन, ये बड़ा अहम टॉपिक है, इसमें से सवाल आते हैं, और फिर सपोर्ट एंड मूवमेंट, और फिर वेरिएशन इन जेनेटिक्स और इनहेरिटेंस। अच्छा अब यहाँ पर देखिए जो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स है, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स मींस जिसमें डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन आ जाता है, वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया हुआ, लेकिन उसकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो ज़रूर होनी चाहिए क्योंकि उसके बगैर आप बहुत सारी चीज़ें उससे महरूम रह जाते हैं, इसलिए उसको भी साथ प्रिपेयर करना है। देखो ये जितने भी टॉपिक्स दिए हुए होते हैं ना, तो कुछ टॉपिक्स का ताल्लुक जो है ना वो कुछ दूसरे टॉपिक्स के साथ भी होता है जो यहाँ पर शो नहीं किए हुए। तो बास बच्चे सिर्फ ये इस तरह से जो जो हेडिंग दी हुई होती है सिर्फ उन उन हेडिंग्स को बुक में से प्रिपेयर कर रहे होते हैं, वो फिर मार खाते हैं। लेकिन आपको हम साथ साथ जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स भी होंगे हर एक टॉपिक के वो भी साथ साथ आपको प्रिपेयर करवाएंगे, और अगर आप उनको भी साथ फॉलो करेंगे तो फिर इंशाल्लाह कोई मुश्किल नहीं रहेगी।
ठीक है, ये सिलेबस की लिस्ट हो गई। अच्छा, अब इसमें बुक्स कौन सी फॉलो की जाएँ, तो मैंने अभी आपको शुरू में बता दिया कि आपने बुक्स फॉलो करते हुए इन तमाम प्रोविंसेस की बुक्स को लेकर चलना है, अपने अपने प्रोविंस की। हर एक बच्चे ने तमाम प्रोविंस की बुक्स को फॉलो नहीं करना। जो बच्चे फेडरल का टेस्ट देना चाहते हैं वो फेडरल वाली बुक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करें, जिन बच्चों ने पंजाब का टेस्ट देना है वो पंजाब की बुक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करें, इसी तरह से सिंध वाले बच्चे सिंध की बुक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। बाकी जो फेडरल वाली बुक से कंटेंट है वो आपको मेनली कवर करवाया जाएगा, लेकिन हम ये बाकी जो बुक्स हैं इनका भी आपको रिव्यू साथ साथ करवा रहे होंगे। यानी हमारा जो लेक्चर होगा ना उसके अंदर हर एक टॉपिक आप देखेंगे कि उसको हमने इन तमाम बुक में से कवर किया हुआ होगा। तो जब आप ये लेक्चर्स यहाँ से ले लेंगे तो आपको फिर कोई तशनगी नहीं रहेगी इंशाल्लाह। तो इस तरह से ये तमाम प्रोविंसेस के बच्चे अपनी अपनी बुक को लाजमी फॉलो करेंगे। अच्छा, हमारे लेक्चर्स में वैसे तो कोशिश होगी कि इन तमाम बुक्स के कंटेंट्स को हम कवर कर जाएं, लेकिन अगर इसके बावजूद किसी स्पेसिफिक सिलेबस ये किसी स्पेसिफिक प्रोविंस की बुक के कोई टॉपिक कोई ख़ास पॉइंट्स जो हमारे लेक्चर में अगर नहीं कवर हो पाए तो हम आखिर में उन पॉइंट्स को अलहदा से उन बच्चों के लिए अलहदा से एक सेशन करके वो उनको कवर करवा देंगे। तो इसलिए यहाँ पर आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि बच्चे कुछ सिंध से बिलोंग करते हैं तो उनका क्या बनेगा, वो भी मेन जो उनकी प्रिपरेशन है वो इसी सिलेबस के ऊपर रहते हुए होनी है, बाकी वो अपनी बुक को फॉलो करेंगे। इसी तरह से जो बच्चे पंजाब से बिलोंग करते हैं उन्होंने अपनी पंजाब की टेक्स्ट बुक पढ़ी हुई है तो वो साथ अपनी बुक को फॉलो करते रहेंगे और साथ साथ लेक्चर्स देखते रहेंगे तो इंशाल्लाह वो भी इसको कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सारा था जो आपने हमारे साथ अभी ये इन तकरीबन 3 मंथ्स की स्टडीज़ के दौरान चलना है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारा ये जो पूरा सेशन होगा ये कब जाकर कंप्लीट होगा, तो मैं आपको कल इंशाल्लाह इसका पूरा एक स्केड्यूल शेयर कर दूंगा। डे वाइज आपको मैं कंटेंट बता दूंगा कि आज फ्लान टॉपिक हमने कवर करना है, कल फ्लान टॉपिक कवर करना है, वो आपके पास पूरा डे वाइज एक स्केड्यूल मौजूद होगा और उसको आपने साथ रखते जाना है। ठीक है, तो इसमें हमने इसके साथ साथ हमने क्या करना है, एक तो ये डे वाइज आपको स्केड्यूल में प्रोवाइड कर दूंगा डे वाइज, तो ये डे वाइज जो आपको शेड्यूल मिलेगा उसको आप फॉलो करते जाएंगे। फिर चूंकि हमारी क्लास होनी है मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लास हुआ करेगी, मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे फिलहाल ऑफ रखा हुआ है, ईद के बाद देखेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर हम सैटरडे को भी ऑन कर लेंगे। फिलहाल मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लास होगी और यही टाइमिंग है 10 PM to 11 PM। 11 ये जो टाइमिंग है ये आपको टेंटेटिव टाइमिंग बताइए, क्योंकि हमारे अक्सर लेक्चर ऐसे होंगे अभी आप देखेंगे कि जो 1 घंटे से ज़्यादा लंबे लेक्चर्स होंगे, तो 10 बजे इंशाल्लाह क्लास शुरू कर लिया करेंगे। फिर वो जब तक क्लास ख़त्म ना हो, वो चाहे 11 बजे ख़त्म हो या 11:15 या 11:30 भी बज सकते हैं, तो आपने बिल्कुल अपनी चीज़ें अपने पास रख के कोई खाने पीने की जो भी, तो फिर आपने ये क्लास अटेंड करनी है ताकि बीच में आप अपनी कंसंट्रेशन लूज ना करें, इधर उधर उठ के ना जाएं। और ये रात का टाइम बहुत ज़्यादा सूटेबल है क्योंकि दिन में आप मुख्तलिफ अकेडमीज में बाकी सब्जेक्ट कवर करने के लिए इंगेज होंगे, तो दिन में इस वजह से ये क्लास नहीं रखी क्योंकि फिर कभी किसी स्टूडेंट का प्रॉब्लम होता है, कभी किसी स्टूडेंट का, तो ये लास्ट ईयर भी मैं इसी तरह से ये लाइव क्लास रात के वक्त ही कंडक्ट करता रहा था, तो इस साल भी ये इसी तरह 10 PM to 11 PM ये रोज़ाना मंडे टू फ्राइडे क्लास हुआ करेगी। सैटरडे ऑफ होगा, सैटरडे इज ऑफ, और संडे को, हर संडे को हमारा टेस्ट होना है, संडे इज टेस्ट डे। अच्छा, अब जो संडे को टेस्ट होगा वो कौन से टॉपिक से होगा, तो जितने टॉपिक्स हमने कवर किए होंगे, जितने टॉपिक्स हमने थ्रू आउट द वीक कवर किए होंगे मंडे टू फ्राइडे के लेक्चर्स में, उन तमाम टॉपिक्स का संडे को टेस्ट होगा। अच्छा, और हर रोज़ जो डे वाइज हम टॉपिक कवर करेंगे वो लेक्चर के बाद आपको उस टॉपिक के एमसीक्यूज का एक टेस्ट प्रोवाइड कर दिया जाएगा और वो टेस्ट आप अपने तौर पे सॉल्व करेंगे। उसमें मोस्टली जो क्वेश्चंस होंगे उस डे वाइज
टेस्ट के अंदर, वो हमारे डिस्कशन में ऑलरेडी कवर हो चुके होंगे, और अदरवाइज अगर कोई क्वेश्चन रह भी गया हो तो आप फिर वो नेक्स्ट डे उसको डिस्कस कर सकते हैं, उसको पूछ सकते हैं। और अदरवाइज जब आपका संडे को टेस्ट होना है पूरे वीक के टॉपिक्स में से, तो उसमें डेफिनेटली वो जो वीक के टेस्ट में क्वेश्चंस थे उनमें से बाज़ क्वेश्चन वो भी रिपीट हो रहे होंगे, कुछ नए क्वेश्चन होंगे, तो वो फिर संडे के टेस्ट के फौरन बाद हमारी डिस्कशन की क्लास हुआ करेगी, उस डिस्कशन क्लास में वो सारी क्यूरीज हम कवर कर लेंगे। यानी संडे का जो टेस्ट टाइम है वो तकरीबन आपको 9 PM पे टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, 9 PM पे आप टेस्ट स्टार्ट करेंगे, 10 PM तक ये टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये 9 to 10 PM ये टेस्ट होगा आपका, और उसके बाद फिर इसका डिस्कशन फौरन बाद। देखिए ये जो टेस्ट है ये ऑनलाइन टेस्ट है, मैं अभी आपको बताता हूँ कि वो टेस्ट कैसे करना है। तो टेस्ट के बाद फौरन बाद फिर हमारा ये डिस्कशन, इसी तरह से एक लाइव क्लास होगी डिस्कशन की। तो उस लाइव क्लास में जो कि ये 10 PM to 11 PM यानी हर संडे को इस तरह फिर ये डिस्कशन क्लास हुआ करेगी उसी टेस्ट की, जो संडे को 9 PM to 10 PM टेस्ट कंडक्ट हुआ होगा। अच्छा, अब ये जो टेस्ट हैं और ये डे वाइज टेस्ट ये कैसे लिए जाएंगे, तो इसके लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, टेस्ट मॉज उसे कहते हैं, टेस्ट मॉज, ठीक है। तो इस टेस्ट मॉज के ज़रिए आपसे ये टेस्ट लिए जाएंगे। टेस्ट मॉज का आपको ये एक लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, और इस लिंक को जब आप क्लिक करते हैं तो ऐसी सूरत में जैसे ये इसको हमने ओपन किया, ये देखिए ये टेस्ट इस तरह से ओपन होगा आपके सामने। अच्छा, और इस टेस्ट में आप ओपन करने के बाद यहाँ पर नेम लिखेंगे अपना, जस्ट अ मिनट, हाँ जी, तो ये देखिए यहाँ पर आप अपना नेम, कोई भी नेम आप अपना, जो जो भी आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी है वो आप यहाँ पर टाइप करेंगे। नेम टाइप करने के बाद फिर आपने पास कोड, आपको हर टेस्ट का एक पास कोड मिला होगा, तो वो पास कोड आपने यहाँ पर टाइप करना है। जैसे मिसाल के तौर पर ये पासकोड आपने जब इधर लगाया, तो उसके बाद ये टेस्ट को स्टार्ट करेंगे। टेस्ट को जैसे स्टार्ट करते हैं तो आपके सामने ये इस तरह से टेस्ट शुरू होता है। तो टेस्ट में पहले आपको कुछ वो टेस्ट के टॉपिक्स बताए गए होंगे कि कौन से टॉपिक से ये टेस्ट हैं, इसको आप फर्दर कंटिन्यू करेंगे तो उसके बाद फिर आगे ये 2-3 इन्फॉर्मेशन आपकी कलेक्ट की जाएंगी। ये इन्फॉर्मेशन आप जब फिल कर देंगे तो उसके बाद फिर आप इसको सबमिट करेंगे, अब आपका ये टेस्ट बकायदा शुरू हो गया, ये क्वेश्चंस आपके सामने आते जाएंगे, और उन क्वेश्चंस को ये यहाँ पर आपने पहले इन्फॉर्मेशन फिल करनी है अपनी, और इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद सबमिट करेंगे, तो अब आपके सामने ये टेस्ट बकायदा शुरू हो गया, क्वेश्चन और फिर उसके ये ऑप्शंस हैं, तो जो करेक्ट ऑप्शन है उसको आप टिक करते जाएं और उसको सबमिट करते जाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। तो इस तरह से करके फिर आप ये आगे बढ़ते जाएंगे, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, जैसे डे वाइज टेस्ट के अंदर तकरीबन 50 क्वेश्चंस होंगे, और जो आपका संडे का टेस्ट हुआ करेगा वो 68 क्वेश्चंस पर मुश्तमिल हुआ करेगा। तो यूं हमारी ये प्रिपरेशन आगे चलती रहेगी। जब हम आखिर में सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, तकरीबन कोई हमारी टेंटेटिव डेट है सिलेबस कंप्लीट करने की 15th अगस्त तक हम इंशाल्लाह अपना सिलेबस सारा कवर कर चुके होंगे, और उसमें सारे ये वीक वाइज भी टेस्ट हो चुके होंगे, डेली टेस्ट भी हो चुके होंगे। तो 15th अगस्त के बाद फर्दर हमने क्या करना होगा, आखिर में जब तक हमारा टेस्ट नहीं होता, MDCAT जब तक नहीं होता, तब तक फिर आपके FLPs लिए जाएंगे, हाफ बुक के टेस्ट लिए जाएंगे, फुल बुक के लिए जाएंगे, और फुल लेंथ पेपर्स आपके लिए जाएंगे। तो इस तरह से आपकी ये प्रिपरेशन आगे बढ़ती जाएगी। अच्छा भाई, तो ये जो टेस्ट और बाकी इसकी जो भी मटेरियल होगा, जो हम डेली ये इस तरह से कवर करेंगे, ये स्लाइड्स जितनी भी आएंगी, वो स्लाइड्स भी आपको शेयर की जाएंगी। अब वो स्लाइड्स कैसे आपको शेयर होंगी, तो वो स्लाइड्स मैं आपको अपनी वेबसाइट का तरीका बता दूंगा। आप कुछ स्टूडेंट्स ने तो वेबसाइट पर रजिस्टर कर लिया हुआ है, और बाकी जिन बच्चों ने अभी रजिस्टर नहीं किया तो उनको भी मैं गाइड कर दूंगा, वो मेरी वेबसाइट के ऊपर जाके रजिस्टर कर लेंगे, और फिर वहाँ पर वेबसाइट पर उनको ये हर रोज़ का जो रिकॉर्डेड लेक्चर है वो नेक्स्ट डे वहाँ पर अवेलेबल होगा, दोबारा से उसको वहाँ पर वॉच कर सकते हैं, और साथ साथ उस लेक्चर की जो स्लाइड्स हैं वो भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और उस लेक्चर का जो डेली टेस्ट होगा उसका लिंक भी वहीं पर मौजूद होगा, वहाँ से वो हासिल कर सकते हैं।
और जबकि वीक वाइज जो टेस्ट हुआ करेंगे वो भी इसी तरह से, वो भी वेबसाइट पर मैं उसका लिंक प्लेस किया करूँगा, तो आप लोग मेरी वेबसाइट के ऊपर लॉग इन करके उन टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। वेबसाइट का एड्रेस आप नोट फरमा लीजिए, कुछ बच्चों ने तो इसमें लॉग इन कर लिया, रजिस्टर कर लिया और लॉग इन भी कर लिया हुआ है, और बाकी जिन बच्चों ने नहीं किया तो वो ये www.biologyguardian.com, ठीक है, इस साइट को जब आप ओपन करेंगे तो इस साइट को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने रजिस्टर करना होगा। मैं आपको थोड़ा सा इसका भी एक डेमो दे दूँ ताकि जिन बच्चों ने अभी तक रजिस्टर नहीं किया तो वो इसको रजिस्टर कर लें। देखें, आप ये इस तरह से जब ये biologyguardian.com लिखेंगे तो आप ये इस साइट के ऊपर पहुँच जाएंगे। ये आपके सामने biologyguardian.com ये साइट ओपन हो गई है। तो इस साइट में आपने सबसे पहले जो न्यू यूज़र होगा इस साइट के ऊपर पहली बार आ रहा है तो उसको इस साइट को यूटिलाइज करने के लिए पहले रजिस्टर करना होगा। देखिए, ये रजिस्टर का आपको टैब नज़र आ रहा है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एक इन्फॉर्मेशन बार खुल गई है। आप इसमें नेम, अपना ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर और कोई एक पासवर्ड आप खुद सजेस्ट करें जो कि आपने फ्यूचर में फिर इस वेबसाइट के ऊपर लॉगिन करने के लिए यूज़ करना है, तो वो पासवर्ड लिखिए, फिर दोबारा पासवर्ड को कंफर्म करें और उसके बाद फिर इसको रजिस्टर को जब आप क्लिक करेंगे तो ऐसी सूरत में आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। और जो ईमेल आपने यहाँ पे दिया होगा उस ईमेल के ऊपर आपको एक मेल चली जाएगी। अब आप अपने ईमेल एड्रेस को खोलें, ईमेल को खोलें, वहाँ पर जो मेल आई होगी उस मेल में आपने अपने ईमेल को वेरीफाई करना है। वहाँ पर वो एक लिंक आएगा कि आप इसको वेरीफाई करें, तो जब आप उस लिंक को प्रेस कर देंगे, अपना ईमेल वेरीफाई कर देंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब दोबारा से आप ये साइट खोलिए, अब आपको दोबारा रजिस्टर नहीं करने की ज़रूरत, आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई है। उसके बाद अब आपने जस्ट लॉग इन करना है, जैसे आप यहाँ पर इसको लॉग इन करते हैं मिसाल के तौर पर जी, तो ये देखिए, ये इस तरह से आप ईमेल एड्रेस यहाँ पे लिखेंगे, जो भी आपने रजिस्ट्रेशन करते हुए ईमेल एड्रेस यहाँ पे प्लेस किया था वो आप ईमेल एड्रेस यहाँ पे लिखिए, और उसके बाद फिर आप अपना जो पासकोड है, जो पासवर्ड आपने सेट किया था वो पासवर्ड यहाँ पे रखिए, और पासवर्ड लगाने के बाद अब आप इसमें लॉग इन कर लें। अच्छा, जब आप ये लॉग इन कर लेते हैं तो लॉग इन करते हुए आपको फिर ये इस तरह से जो जो कोर्सेज आपको सब्सक्राइब हुए होते हैं, यानी जैसे आप चूँकि एमडी कैट के स्टूडेंट हैं तो आपको सिर्फ ये एमडी कैट 2023 के ये जो दो कोर्सेज हैं ये नज़र आ रहे होंगे। इस वक्त मेरे डैशबोर्ड में तो आपको ये काफ़ी सारे दूसरे कोर्सेज भी नज़र आ रहे हैं जिसमें फर्स्ट ईयर के कंप्लीट लेक्चर्स हैं, सेकंड ईयर के कंप्लीट लेक्चर्स हैं, ये एमडी कैट 2022 के लेक्चर्स हैं, और फिर अब ये 23 के ये दो आपको लेक्चर्स और उसके टेस्ट नज़र आ रहे हैं। लेकिन आपने चूँकि सिर्फ ये एमडी कैट 23 के अंदर रजिस्ट्रेशन की होगी तो इस वजह से आपके डैशबोर्ड पे सिर्फ ये दो नज़र आ रहे होंगे। उसमें एक के अंदर आपको लेक्चर्स मिलेंगे एमडी कैट 23 के, जो डेली लेक्चर्स होते जाएंगे वो अपलोड होते रहेंगे अगले दिन, और दूसरे कोर्स के अंदर आपको सिर्फ उसके टेस्ट मिलेंगे जो डेली के टेस्ट होंगे, और इसके अलावा जो वीकली टेस्ट होंगे वो इस कोर्स के अंदर आपको यहाँ पे मिलेंगे जब आप इसको क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आप ये वेबसाइट के ज़रिए और साथ साथ जो आपको वो टेस्ट मॉज का बताया इसके ज़रिए आप अपनी प्रिपरेशन को जारी रखेंगे, साथ साथ आप ये लेक्चर्स को वॉच करते रहें, तो इंशाल्लाह फिर देखिए आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है भाई, चलें, ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।